दोस्तों पिछले वीडियो में मार्स बाय जीएससी का प्रिवेंट हेयर लॉस किट के बारे में जानकारी दिए थे, जिसमें मिनोक्सिडिल एंड डार्मा रोलर भी शामिल था और आप लोगों ने यह वीडियो बहुत ही पसंद किया। बट कुछ दोस्तों का कहना है कि कोई आयुर्वेदिक हेयर ऑयल सजेस्ट करो जो 100% नेचुरल हो और सच में ही रिजल्ट देता है। तो भाई लोग, आज के वीडियो उन दोस्तों के लिए जो इंडियन आयुर्वेदा पे ट्रस्ट करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग मार्स बाय जेसिका हेयर ग्रोथ ऑयल, 100% नेचुरल, नो मिनरल ऑयल इंक्लूड दिस प्रोडक्ट, और ये आपको हेल्प करेगा हेयर को हेल्दी, फुलर एंड स्ट्रॉन्गर बनाने में। और दोस्तों, ये कोई भी नॉर्मल हेयर ऑयल नहीं है, इसमें है यूनिक एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स, जैसे कि ऑनियन ऑयल, भृंगराज ऑयल, टी ट्री ऑयल, ब्राह्मणी ऑयल, जोजोबा ऑयल, लेवेंडर ऑयल, आमला एक्सट्रैक्ट, अर्निका एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, हेना एक्सट्रैक्ट, जासूद एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, मेथी एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, फेनुग्रीक ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। हफ्ते में आपको कम से कम 3 बार यूज़ करना है बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। और आप लोग तो जानते हो कि आयुर्वेदिक ऑयल्स को यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। आप चाहे तो रात भर स्काल्प एंड हेयर में अप्लाई करके रख सकते हो और सुबह किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश भी कर सकते हो। और ये काम अगर आपको झंझट वाला लगता है तो आप चाहे तो नहाने के कम से कम 1 घंटा पहले भी यूज़ कर सकते हो। शैम्पू के लिए आप मार्स बाय जीएससी का ये शैम्पू ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए भाई लोग, हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण से बहुत सारे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोगों को झेलना पड़ता है, जैसे कि हेयर फॉल हो गया, डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स, हेयर का थिन होना, समय से पहले ही ग्रे हेयर या सफ़ेद होना एक्सेट्रा। तो इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स आपको हेल्प करेगा हेयर फॉल प्रिवेंट करने में, हेयर रिग्रोथ में, डैंड्रफ को पूरी तरीके से रिमूव करने में, हेयर रूट्स को नरिश करने के साथ साथ स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में, जिसके मदद से हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट भी मिल पाएगा पहले से और भी ज़्यादा। इससे आपको मिलेगा हेल्दियर, फुलर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर। तो इसमें मौजूद ऑनियन ऑयल आपको हेल्प करेगा हेयर ग्रोथ साइकिल को इम्प्रूव करने में, साथ ही हेयर को थिन होने से ये प्रिवेंट भी करते हैं। भृंगराज ऑयल के बारे में आप लोग तो जानते ही हो, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। टी ट्री ऑयल हेयर फॉलिकल्स को डस्ट, डार्ट एंड बैक्टीरियल फंगस से प्रोटेक्शन देता है, साथ ही हेल्प करता है हेयर रूट्स में अदर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन में। ब्राह्मणी ऑयल स्कैल्प स्किन सेल को नरिश करने के साथ साथ स्ट्रेस से भी ये प्रोटेक्शन हम लोगों को देता है। जोजोबा ऑयल हेयर फॉलिकल्स एंड रूट्स को नरिशमेंट देने के साथ साथ स्ट्रॉन्गर भी बनाते हैं, साथ ही इसमें मौजूद है विटामिन ए एंड विटामिन ई। तो ये तो हो गया मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में शॉर्ट में जानकारी। बाकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर डिस्कस करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग तो लंबे वीडियो देखते नहीं, राइट? तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप पूरा जानकारी यहां से पा सकते हो। और 200 ml का इस बेहतरीन हेयर ग्रोथ ऑयल की MRP है 799 rupees। बट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप परचेस करते हो तो आपको अप टू 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।